अब बवालियों को रोकेगा बदबू बम। जी हाँ, बदबू बम। इसे बनाया है कनौज में स्थापित केंद्र की स्वायत्त शासी संस्था FFDC ने। सुगंध एवं सुरस पर रिसर्च के लिए स्थापित की गई यह लेबोरेटरी पिछले 12 साल से रक्षा मंत्रालय के साथ बदबू बम पर रिसर्च कर रही है। FFDC के साइंटिस्ट की माने तो दुर्गंध का फॉर्मूला बनाकर रक्षा मंत्रालय की ग्वालियर स्थित लेबोरेटरी को भेज दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद इसे इस्तेमाल करने के लिए ब्लॉक में तैयार किया जाएगा। कश्मीर के पत्थरबाज हो या दिल्ली में छोटे छोटे मुद्दों पर हंगामा करने वाले की भीड़, इन्हें तीतर बीतर करने में फोर्स को नाको चने चबाने पड़ते हैं। कहीं उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो कहीं प्लेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हें रोकने के लिए जल्द ही फोर्स के हाथों में बदबू बम होगा। इसे तैयार किया है कनौज में स्थित लेबोरेटरी FFDC ने। 12 वर्ष पूर्व 2005 से 7 के बीच में डिफेंस लैब ग्वालियर के से स्पॉन्सर किया हुआ हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिस पर हम लोगों ने ये शोध कार्य किया। उस दौरान हमने कुछ ऐसी गंध बनाई थी जो इंसान को पसंद नहीं आती और उसकी उसकी उपस्थिति में वो वहाँ रहना पसंद नहीं करता। तो ऐसा कुछ कार्य हुआ था और उसके उस पर एक बेसिक रिसर्च होने पर ये पता चला था कि ऐसी कुछ गंध हो सकती है जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटी में, लोगों के भीड़ को नियंत्रण करने में या ऐसे डिफेंस के पर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस पर काफ़ी वर्ष पूर्व काम हुआ था, आगे अभी काम करने की ऐसी भी संभावना है। अगर हमें भविष्य में डिफेंस लैब या कोई और मंत्रालय हमें ऐसा आदेशित करता है तो उस पर आगे भी काम किया सकता है और उसमें भी काफी ऐसी भी संभावना है। डिफेंस लैब से बीच में एक आध बार चर्चा हुई क्योंकि काम हुए काफी समय हो गया था, तो निश्चित रूप से चूंकि समय ज्यादा हो गया तो ये था कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में इस पर दोबारा कार्य करके और देखा जाए। तो ऐसी बीच में एक आध बार बात हुई है लेकिन अभी हमारी कोई डिफेंस लैब के साथ ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकी कि ताकि इस कार्य को कहीं आगे कुछ बढ़ाया जा सके, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। Thank you.